नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर मीडिया नेटवर्क। में हूं आपके साथ रवि शर्मा। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार, प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को समझाते समझाते खुद ही इसका पालन करना भूल गई। ऐसा ही देखने को मिला जब वार्ड नंबर 38 में राशन वितरण और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर जरूरतमंद लोगों में राशन बांटा गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कोल, वार्ड के पार्षद सुरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई, जिस पर कुछ लोगों ने इसका अमल भी किया, लेकिन आयोजक खुद इसका पालन करना भूल गए, जिसके चलते ना तो राशन वितरण करने वालों ने इस नियम का पालन किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कोल जो थे, उन्होंने भी इसका पालन नहीं किया। जब वो मीडिया के सामने आए तो वो इसका पालन करना भूल गए। जी हां, आपको बता दें कि लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने खुद जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है। पहले तो एक तरफ वो माइक पर लगातार ये बोलते रहे, लोगों से अपील करते रहे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें, लेकिन खुद वो इसका पालन नहीं कर पाए और उन्होंने धज्जियां जो थी वो वहां पर उड़ाई। खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, रविंदर रैना की, तो उन्होंने लोगों से अपील ये की थी कि वह सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें। आपको सुनाते हैं कि क्या कहा था आखिर रविंदर रैना ने। हमको प्रशासन का, पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का साथ देना है। प्रधानमंत्री जी ने जो हर बात हमको कही है उसका हम सब ने पालन करना है, 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 उसका हम सब ने पालन करना है। ये बहुत संकट की विकट परिस्थिति है। सुना आपने कि रविंदर रैना की बात करें, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और युवा वर्ग की बात करें तो काफी युवा उन्हें फॉलो करते हैं और उन्होंने युवाओं से अपील ये की थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनका साथ दें, उस चीज का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे, उन्होंने ना ही रविंदर रैना की जो बात है वो मानी और ना ही देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उनकी कही हुई मानी और उन्होंने उल्लंघन जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो वहां पर किया है। आखिर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेने की जरूरत है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो पूरे डिसिप्लिन के साथ करते हैं और वही जो चीज है वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नेताओं की बात करें तो उन्हें भी उनसे सीख जो है वो लेनी चाहिए और आने वाले समय ताकि इस तरह की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने ना आए। अरविंदर रैना ने भी ये अपील जो थी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी लोगों से भी ये अपील की थी, लेकिन अभी लगता है कि रविंदर रैना जो हैं उन्हें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अपनी पार्टी के नेता हैं, उन्हें समझाने में कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक तरफ जहां पर इस समय जो है वो लॉकडाउन की स्थिति है, राशन बांटा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर सच में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो लोगों में राशन बांट रहे थे तो उन्हें इस तरह का जो कार्यक्रम था वहां पर टेंट लगाकर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत जो थी वो नहीं थी। और वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जब वो मीडिया को संबोधित किया उन्होंने तो उस समय भी वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना भूल गए। और अगर सच में लोगों की मदद करना चाहते थे तो इस तरह के जो टेंट्स थे वो लगाने की जरूरत नहीं थी, लोगों को चयनित किया जाता और उन तक उनके घरों में जाकर भी राशन जो था वो पहुंचाया जा सकता था। और वहां को फिर से बता दें कि जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अशोक कोल जो थे उनके सामने वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका उल्लंघन वहां पर किया गया, वो सारी चीजें जो थी वो वहां पर नहीं हुई जो वहां पर होनी चाहिए थी और उल्लंघन जो था सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर साफ तौर से देखने को मिला। हालांकि कुछ लोग जो वहां पर आए थे अनाज लेने के लिए, उनसे अपील भी की गई, उनको तो कहा गया, लेकिन उन्होंने तो थोड़ा डिसिप्लिन दिखाया, लेकिन उसके बाद जब खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग जो थी उनको उसको मेंटेन नहीं रखा और लोग जो थे उन्होंने भी उसका उल्लंघन किया,
फिर से जब जिस तरह से पहले हमने आपको बताया कि रविंदर रैना जो कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अध्यक्ष हैं, वो भी लोगों से अपील कर चुके हैं कि आप घरों के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखें, लेकिन अभी उन्हें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के विषय में बताने में, ताकि वो इसका पालन करें। और हम भी उम्मीद ये करते हैं कि ये खबर दिखाने का मकसद ये है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है और अभी भी लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय में इसे अगर और बढ़ाया जाता है, और हमारी खबर दिखाने का मकसद ये है कि आने वाले समय में इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और जो घटनाएं आज हुई हैं, जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आई हैं, इस तरह की तस्वीरें भविष्य में सामने ना आए। फिलहाल मुझे रवि शर्मा को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर मीडिया नेटवर्क। नमस्कार।